हेलो फ्रेंड्स, इन्फो लैब में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अपनी काफ़ी ही प्रैक्टिकल टॉपिक पे है। फ्रेंड्स, आप और हम में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ज़रूरत पर पैसे उधार दे देते हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर देते हैं, बट जब पैसे वापस देने का टाइम आता है तो वो लोग जो है किसी न किसी बहाने से पेमेंट को डिले कर देते हैं। जब भी किसी को पैसा देना तो दो चीज़ भूल जाना, पैसे और रिश्तेदारी दोनों। आदमी पैसा मांगने आता कैसे गिड़गिड़ाता है कि माँ कसम बता रहे हैं अगले महीने वापस कर देंगे। एंड अपने ही पैसे वापस मांगने पे, बार बार रिक्वेस्ट करने पे कई बार जो है रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं, एंड आपसी जो एक भाईचारा है वो भी खराब होता है। अब इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक दोस्त है, आपने उस दोस्त को उसकी फाइनेंशियल हेल्प करी और उसको 1 लाख की अमाउंट जो है वो एज अ फ्रेंडली लोन दे दी, एंड आपकी उससे बात हुई कि वो 2 मंथ्स के बाद में उस पैसे को आपको रिटर्न कर देगा। एंड जब 2 मंथ्स के बाद भी वो उस पैसे को रिटर्न नहीं करता तो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है रिक्वेस्ट का। एंड जब आप अपने ही पैसे के लिए मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस दे दे, और आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलता, तो आप हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट और इरिटेट। एंड अब इस फ्रस्ट्रेशन से कई बार ऐसा होता है आपसे रिलेशन भी खराब हो जाते हैं, आप जो है दूसरी पार्टी के साथ में कई बार गाली गलौज भी कर देते हैं। एंड इस गाली गलौज के चलते पैसे लेने से तो आप गए, आप दोबारा एक और नई कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि पैसे भी नहीं मिले और साथ में आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल होगी कि आपने उस पर्सन को धमकाया पैसों के लिए, आपने उसके साथ में गाली गलौज की है। एंड देन कुछ समय के बाद जो है जिसने पैसे दिए होते हैं उसको ये रियलाइज होता है कि यार मेरे पैसे भी मुझे नहीं मिले और एक नई कॉन्ट्रोवर्सी, एक नए इशू में मैं फंस गया। एंड ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहाँ पर जो लेनदार होता है जिसने पैसे लिए होते हैं और उसके साथ कोई गाली गलौज कर देता है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसके खिलाफ में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी को भी पैसे देते हैं और वो टाइम से आपके पैसे नहीं लौटाता तो कभी भी उसके साथ में गाली गलौज या मिसबिहेव ना करें। अपना एक अच्छा बिहेवियर और टॉकिंग टर्म्स हमेशा मेंटेन रखें। अब बात करते हैं जो आपने पैसा उधार दिया है वो वसूल कैसे होगा, वो वापस कैसे आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर बार बार रिक्वेस्ट करने पे भी जो लेनदार है वो आपके पैसे को रिटर्न नहीं करता तो एक वकील की मदद से उसको लीगल नोटिस भेजें। एंड काफ़ी सारे केसेस में ये प्रैक्टिकल चीज़ देखी गई है कि एडवोकेट का लीगल नोटिस जाते ही विद इन फ्यू डेज आपके जो पूरे के पूरे पैसे हैं वो रिकवर हो जाएंगे, चाहे वो बड़े अमाउंट हो चाहे वो छोटे अमाउंट हो। एंड लीगल नोटिस जाने के बाद भी अगर आपके पैसे रिकवर नहीं होते हैं तो आप एडवोकेट की हेल्प से कोर्ट में केस फाइल करें टू रिकवर योर अमाउंट, और जितने भी आपके पास में प्रूफ हैं वो वकील साहब को प्रोवाइड करें जिससे कि आपका केस जो है प्रॉपरली प्रेजेंट हो सके एंड आपकी कंप्लीट अमाउंट आपको रिफंड हो सके विद इंटरेस्ट फ्रॉम दैट पर्सन। एंड फ्रेंड्स, कोर्ट के अंदर वो पर्सन जो बिल्कुल पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं थे, जिन पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, वो भी पैसे दे देते हैं जब उनके सम्मन निकलते हैं, वारंट निकलते हैं। सो गलत चीज़ें करने से अच्छा है फॉलो अ करेक्ट लीगल प्रोसीजर। एंड फ्रेंड्स, जब कभी भी आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, किसी को पैसे लेंड करते हैं, तो उससे जो है जब भी वो पैसे रिटर्न करेगा उस डेट का एक चेक ज़रूर ले लें विद कंप्लीट डिटेल्स। एंड एक चीज़ का खास ध्यान रखें, जब भी आप कोई सिक्योरिटी चेक लेते हैं किसी अमाउंट के रिटर्न में जो भी आप लेंड करते हैं, तो वहाँ पर जो है चेक जो है कंप्लीट भरा हुआ हो। काफ़ी सारे लोग एक गलती करते हैं, खाली जो है ब्लैंक चेक ले लेते हैं, उस पर साइन होता है और खाली अमाउंट डली होती है। सो ये चेक आपके काफ़ी काम आएगा इनकेस अगर आपकी पेमेंट रिटर्न नहीं होती, फंस जाती है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना, अगर आप किसी को पैसे उधार देते हो और उसमें जो है अमाउंट बड़ी है, लाखों की अमाउंट है, तो ऐसे में एक बेसिक एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं। उस एग्रीमेंट में देने वाला व्यक्ति देनदार, लेने वाला व्यक्ति लेनदार, और साथ में 2 विटनेस की बेसिक डिटेल्स और साइन ज़रूर करवाएं। सो फ्रेंड्स, अपनी मेहनत की कमाई को काफ़ी सोच समझ कर किसी को भी दें, क्योंकि जब आप किसी को पैसे देते हैं तो वो आपकी सब चीज़ों के ऊपर हाँ कर देता है। एंड काफ़ी सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है जब पैसे वापस देने का समय आता है तो वहाँ पर जो लेनदार होता है उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और वो इस चीज़ को भूल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति ने किस तरीके से पैसे अरेंज करके टाइम पे उसकी मदद की थी। आज की वीडियो में जितने भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स बताए इनको ज़रूर फॉलो करें अगर आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प करते हैं तो, क्योंकि ये छोटे छोटे टिप्स आपका पैसा रिकवर करने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। लाइक बटन को प्रेस करें। आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स या ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ईमेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो लैब।